कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको इंस्टेंट बटर दही बटर बना के दिखाने वाली हूँ, जो झटपट बन जाते हैं। और अभी हमारी ईद भी आ रही है, तो शीरकुरमे के साथ कुछ चटपटा बनाना भी ज़रूरी होता है, मन करता है, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनके लिए क्या, उसके लिए क्या चीज़ें लगेंगी। तो सबसे पहले तो ये बटर है जो बेकरी में आसानी से मिल जाते हैं, और ये छाछ है यानी बटर मिल्क, और ये दही है, ये अनार है उसके दाने हैं, और इसमें हरी मिर्च मोटी मोटी कुटी हुई, और ये अदरक है, पेस्ट है अदरक का, और ये काला नमक है, और ये पिसी हुई शक्कर है, ये हरी धनिया है, और ये मैंने मसाला बनाया है लाल धन, ये ज़ीरा 3 चम्मच लिए हैं, आधा टेबल स्पून है, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, और उसमें ये आधा टेबल स्पून अजवाइन डाला है मैंने, उसको तवा गरम करके तवे पर मैंने उसे भुना है, और उसमें धनिया थोड़ा आधा टेबल स्पून डाला है मैंने, वो भी भुना है, मैंने हर चीज़ भुनी है। और उसके बाद मैंने काली मिर्च 8-10 दाने डाल दिए हैं उसमें भून के, और लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून, और उसमें चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, और नमक ऐसे डाल के मैंने सब पीसा है मिक्सी में भून के। ये मसाला बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है, और ये शेव है, और ये हरी चटनी, और ये इमली खजूर, और इमली की चटनी बनाई है मैंने, ये हमें लगभग हम इसका फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो मैं ये जो बटर मिल्क मैंने लिया है, तो उसमें मैं ये बटर को ऐसा भिगो दूंगी, तो इसे मैं 10 मिनट तक रखूंगी, लेकिन अभी 5 मिनट इसे इसी तरह से रखूंगी, और 5 मिनट के बाद इसे पलट दूंगी। देखिए, ये अब अच्छे से हमारे बटर छाछ में भीग चुके हैं, इस तरह से इसे निकालेंगे, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए। तो देखिए, मैंने इस तरह से वो बटर मिल्क में से ये जो बटर भिगोए थे, तो 10 मिनट के बाद मैंने उसमें से निकाल लिए, और उसमें का जो छाछ था सिर्फ थोड़ा सा निकाली, क्योंकि दही तो हमें डालना ही डालना है, इस वजह से उसमें थोड़ा रह भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा हल्के हाथ से मैंने इसे दबाया है, और इस तरह करा किया है, और बहुत सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने फ्रिज में इससे निकाला है, और दही इसमें हमें बहुत ज़्यादा लगेगी, और मैंने अभी इसे फ्रिज में से निकाला है, और अब हम इसे अच्छे से फेटेंगे। तो देखिए, अब मैंने इसे फेंट लिया, और इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ये काला नमक डालूंगी, और ये है पिसी हुई शक्कर, तो ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और ये है अदरक का पेस्ट जो थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी, और ये हरी मिर्च मोटी मोटी कटी हुई, एक हरी मिर्च के इतना हम मोटा कटा हुआ इसमें डालेंगे, तो ये मैं डाली हूँ, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, मैंने इस प्लेट में वो निकाले हुए वड़े रख दिए हैं बटर के, और अब इस पर मैं इस तरह हूँ,
इसमें दही जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी लगती है, और दही भी काफ़ी मीठी है और फ्रिज में की ठंडी है। और अब इस पर हम थोड़ी थोड़ी सी, मैं ये हरी चटनी डाल रही हूँ। अब इस पर ये चटनी डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकती हैं उस पर। और ये मसाला है जो मैंने सब मिला के, चाट मसाला वगैरह, ज़ीरा सब इसी में मिक्स किया है मैंने, सब को भून के अच्छे से, काली मिर्च पाउडर, आप जितना चाहते हैं उतना डालिए। अब मैं इस पर, देखिए अभी मैं इसमें थोड़े अनार मैंने डाला है, अब इस पर मैं थोड़ी सेव डालूंगी। और अभी इस पर मैं कटी हुई हरी धनिया थोड़ी सी डालूंगी। तो देखिए मेरे ये इंस्टेंट दही बटर बन के तैयार हो चुके हैं, और अब आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे लगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे होते हैं, और रमज़ान के वक्त मीठा खाने के बाद ये चटपटे बटर, दही बटर बहुत ही अच्छे लगते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो मुझे, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।